अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं आपके साथ गन्ने के दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसे हम रेड गन्ना भी कहते हैं। ये अक्सर खुश्क वाले इलाकों में भी पाया जाता है। ये जो इलाका है, इधर ज़्यादा पानी नहीं होता, लेकिन ये अपना पानी ज़मीन से मुकम्मल करता है। और ये माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ होती है। ये जो आपकी सारी फील्ड आपको नज़र आ रही है, ये गन्ने का फील्ड है। और इसमें माशाल्लाह ये कम से कम 3 से 4 फुट तक इसका गन्ना लंबा हो गया है। ये रेड होता है और ये इसका पानी भी काफ़ी मीठा होता है। तो इसको हम बस एक बार काट दिया है और इसके बाद फिर ये इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। इसके अपोजिट साइड पे भी हमने कुछ गन्ने उगाए हैं जो कि ये हैं। इसकी ग्रोथ भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। बस गन्ने का ये होता है कि इसको पानी टाइम पे दिया जाए। और साथ साथ इसके साथ का भी ख्याल रखा जाए। ये फील्ड उधर तक गया है, ये सारा गन्ने का फील्ड है जो कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फील्ड है। और अभी इसकी जो मेहनत है वो हमने बिल्कुल इसके ऊपर स्टॉप की है। अभी इसमें कोई किसी काम की ज़रूरत नहीं। अब ये खुद बहुत बढ़ती जा रही है। दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये मकई का फसल है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मकई हो गई है, लेकिन आज चूँकि वीडियो गन्ने से रिलेटेड है तो मैं आपको गन्ना दिखाऊंगा। ये गन्ना भी आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक मर्ज आए हैं, मतलब कि इसे ये एक बीमारी इसमें आई है। इसकी वजह से इसके पत्ते ख़राब हुए हैं। इस बीमारी की मेन वजह होती है खुश्क, यानी इसको हम पानी नहीं देते, तो इसकी वजह से ये खुश्क हो गए हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये मसला आया है। तो मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ, इसके लिए हमारे पास एक दवाई है जिसकी वजह से ये मर्ज़ कंट्रोल हो जाता है। कहने की ग्रोथ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है।